दोस्तों एस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चिरसम्मत सरल आवर्ती दोलित्र, क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सबसे पहले सरल आवर्त गति, ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराई जाती है सरल आवर्त गति कहलाती है। अर्थात ऐसी गति जिसका आवर्तकाल निश्चित हो। यदि किसी समय कण हमारा यहां पर है तो यदि वह 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड अर्थात एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात वापस यहां पर आ जाता है तो ऐसी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। वह समय जिसके पश्चात गति दोहराई जाती है आवर्तकाल कहलाता है, जिसे हम टी से निरूपित करते हैं। तथा प्रति सेकंड दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। अर्थात आवृत्ति न्यू इक्वल टू 1/T, अर्थात आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवृत्ति होती है। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। यहां पर हमने एक सरल आवर्ती दोलित्र दर्शाया है। अब हम इस दोलित्र को इधर ले जाकर छोड़ देते हैं तो यह इधर से इधर, इधर इधर अर्थात इस माध्य स्थिति के दोनों तरफ दोलन करने लगता है। क्योंकि इस दोलित्र का आवर्तकाल निश्चित होगा इसलिए इसे हम सरल आवर्ती दोलित्र कहते हैं। तथा यह गति सरल आवर्त गति कहलाती है। तो हमने इस दोलित्र को यहां पर ले जाकर छोड़ दिया है। तो जैसे आप यहां पर ले जाकर छोड़ोगे ये इस दिशा में फिर इधर जाएगा, तत्पश्चात वापस से इसी दिशा में आएगा। तो यह पहले यहां पर था, अभी इधर आ गया, इसके पश्चात इधर चला गया, अब पुनः ये वापस इधर आएगा। तो यहां पर और फिर यहां पर आ गया है। तो ये हमारी स्थिति 0 थी, जिसे माध्य स्थिति कहेंगे। आपने इसको स्थिति 1 तक ले जाकर छोड़ दिया है। इसके पश्चात 2, फिर 3, फिर वापस 4, फिर 5 और अंत में वापस यहां पर आ जाएगा। तो इस प्रकार यह माध्य स्थिति के दोनों तरफ दोलन करने लगता है। अतः यह गति सरल आवर्त गति होगी। यदि किसी क्षण कण का विस्थापन x हो तो कण पर कार्यरत प्रत्यानयन बल F is directly proportional to x, जहां x कण का विस्थापन तथा F प्रत्यानयन बल है। क्योंकि प्रत्यानयन बल सदैव माध्य स्थिति की ओर इंगित होता है, इसलिए यदि हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमें एक समानुपाती नियतांक k मिलता है। क्योंकि मैंने कहा है कि प्रत्यानयन बल सदैव माध्य स्थिति की ओर कार्यरत होता है, इसलिए यहां पर हमने ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया है। यह के स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक कहलाता है। तो के बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक है। अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F इक्वल टू एम ए, जहां ए त्वरण, m कण का द्रव्यमान तथा F बल है। यदि x कण का विस्थापन हो तो यदि हम विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें वेग प्राप्त होगा। तथा यदि हम वेग का पुनः अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष तो हमें त्वरण प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम विस्थापन का समय के सापेक्ष 2 बार अवकलन करें तो हमें त्वरण प्राप्त होता है। तो चूंकि a बराबर d2x/dt2 तो हम इस a की जगह यहां से d2x/dt2 रख देते हैं, इसलिए बल का मान होगा F इक्वल टू एम d2x/dt2। अब F इक्वल टू -kx था तथा अभी हमने निकाला था F इक्वल टू d2x/dt2। तो ये भी बल है और ये भी बल है तथा दोनों बल एक ही पिंड पर कार्य कर रहे हैं, अतः ये दोनों बल समान होंगे। इसलिए M d2x/dt2 इक्वल टू -kx। अब हम
इस m से पूरी समीकरण को भाग दे दें तो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू माइनस के अपॉन m इंटू एक्स या डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस के अपॉन m इंटू एक्स इक्वल टू जीरो तथा k हमारा बल नियतांक है, m कण का द्रव्यमान है, इसलिए k अपॉन m एक नियतांक होगा जिसे हम ओमेगा जीरो स्क्वायर लिख देते हैं। सो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो और यह सरल आवर्तकृति का समीकरण है। तो हमने इन दोनों समीकरणों की तुलना कर दी तो m डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हम पूरी समीकरण को m से भाग दे देते हैं तो यहां पर भी m से भाग दोगे और यहां पर भी m से भाग दोगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा तो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू माइनस के बाई m इंटू एक्स और इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो नेगेटिव साइन हमारा पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा तो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस के अपॉन m इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। माना k अपॉन m इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर इसलिए डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर x इक्वल टू जीरो। यहां ओमेगा जीरो इक्वल टू रूट ऑफ k बाई m क्योंकि k हमारा नियतांक है, m नियतांक है अर्थात k अपॉन m का मान एक नियतांक होगा या नियत होगा इसलिए इसको हमने एक नए नियतांक ओमेगा जीरो स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है तो ओमेगा जीरो इक्वल टू रूट ऑफ k बाई m तथा यह ओमेगा जीरो कण का कोणीय वेग कहलाता है तथा यह समीकरण सरल आवर्तकृति की समीकरण है। तो यदि कण सरल आवर्तकृति करता है तथा उसका विस्थापन किसी समय x हो तो उसका समीकरण डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो होगा जहां ओमेगा जीरो इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम। आवर्तकाल, आवर्तकाल को हम t से निरूपित करते हैं तो t इक्वल टू टू पाई अपॉन ओमेगा जीरो तथा ओमेगा जीरो रूट के बाई एम है तो t इक्वल टू टू पाई अपॉन रूट ऑफ के बाई एम और इसको न्यूमिनेटर में लेके जाओगे या अंश में लेके जाओगे तो उल्टा हो जाएगा तो t इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ m बाई के तो t इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ m बाई के। आवृत्ति, आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवृत्ति कहलाती है अर्थात आवृत्ति न्यू इक्वल टू वन अपॉन टी तथा टी इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ एम बाई के है इसलिए आवृत्ति हो जाएगी वन अपॉन टू पाई रूट ऑफ के बाई एम। सो आवृत्ति न्यू इक्वल टू वन अपॉन टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई रूट ऑफ के बाई एम। माना सरल आवर्तकृति का हल अर्थात इस समीकरण का हल जो कि हमें x प्रदान करेगा वह x इक्वल टू ए साइन ओमेगा जीरो टी है तो चूंकि कण सरल आवर्तकृति कर रहा है इसलिए इसका हल या तो साइन की फॉर्म में होगा या फिर कॉस की फॉर्म में होगा और या फिर e की पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में होगा। तो माना सरल आवर्तकृति का हल x इक्वल टू ए साइन ओमेगा जीरो टी है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा u इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स एफ डी एक्स तथा एफ इक्वल टू माइनस के एक्स तो हम एफ इक्वल टू माइनस के एक्स यहां पर रख देते हैं तो जैसे यहां पर रखोगे ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यू इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स के एक्स डी एक्स। अब के हमारा नियतांक है और हमको एक्स का समाकलन करना है या इंटीग्रेशन करना है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और लिमिट हमारी जीरो टू एक्स तो पहले लिमिट एक्स की जगह आप एक्स और एक्स की जगह जीरो रखोगे तो यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर तो यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अतः सरल आवर्तकृति कर रहे कण की स्थिति जुड़ जा यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। एक्स विस्थापन पर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है तो v की जगह हम dx by dt लिख देते हैं तो k equal to half m dx by dt whole square परंतु x equal to a sin omega 0 t तो अगर इसका अवकलन करोगे तो dx by dt क्या आ जाएगा a constant sin omega 0 t का cos omega 0 t
एंड ओमेगा जीरो टी का करोगे तो ओमेगा जीरो, तो डीएक्स बाई डी टी इक्वल टू ए ओमेगा जीरो कॉस ओमेगा जीरो टी, और इस डीएक्स बाई डी टी की वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं। सो के इक्वल टू हाफ एम डीएक्स बाई डी टी हमारा था ए ओमेगा जीरो कॉस ओमेगा जीरो टी, और इसकी वैल्यू आपने यहां पर रख दी। सो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा जीरो टी इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो के इक्वल टू हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा जीरो टी। अब कॉस थीटा इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कॉस स्क्वायर ओमेगा जीरो टी हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा जीरो टी, तथा साइन ओमेगा जीरो टी यहां से एक्स अपॉन ए आ जाएगा, अर्थात कॉस ए स्क्वायर ओमेगा जीरो टी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, और ए हमने यहां पर लिख दिया है। सो k इक्वल टू हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इट इज कॉस स्क्वायर ओमेगा जीरो टी हो गया वन माइनस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर, क्योंकि k इक्वल टू एम ओमेगा जीरो स्क्वायर है, हमने ओमेगा जीरो स्क्वायर k अपॉन एम लिया था, इसलिए k इक्वल टू एम ओमेगा जीरो स्क्वायर, तो आप एम ओमेगा जीरो स्क्वायर की जगह k लिख दो। सो गतिज ऊर्जा कैपिटल k हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स बाई ए होल स्क्वायर। अब आप यहां पर ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो जैसे ए स्क्वायर एलसीएम लोगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा के इक्वल टू हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो गतिज ऊर्जा के इक्वल टू हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे गतिज ऊर्जा हमारी ये है, गतिज ऊर्जा ये है। अब यदि हम कुल ऊर्जा निकाले तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो दो लीटर की कुल ऊर्जा, यहां पर कुल ऊर्जा से तात्पर्य कुल यांत्रिक ऊर्जा से है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जब दो लीटर दोलन करता है तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, अतः दो लीटर की कुल ऊर्जा कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगी, जो कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। तो अब यदि हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को जोड़े तो u प्लस k इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहां पर ये ब्रैकेट खोल दो तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हाफ के एक्स स्क्वायर से हाफ के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कुल ऊर्जा हाफ के ए स्क्वायर होगी, तो e इक्वल टू यू प्लस के इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, क्योंकि कण का आयाम या सरल अर्थ गति कर रहे कण का आयाम नियत रहता है, अर्थात a का मान नियत है कि स्प्रिंग नियतांक है जो नियत है, अतः कण की कुल ऊर्जा या सरल अर्थ गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा या दो लीटर की कुल ऊर्जा का मान सदैव नियत होगा। यह मान आयाम के वर्ग के समानुपाती होगा, अतः दो लीटर का आयाम जितना अधिक होगा उसकी ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। निष्कर्ष, क्योंकि कुल ऊर्जा E का मान आयाम के वर्ग के समानुपाती है, क्योंकि सरल आवर्त गति कर रहे कण के आयाम के सभी मान संभव हैं, अतः दो लीटर की ऊर्जा के सभी मान संभव हैं, क्योंकि आयाम A का मान 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 1.75 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, अतः A के कुछ भी मान संभव है, ये सभी मान संभव है, इसलिए दो लीटर की ऊर्जा के सभी मान संभव होंगे। कण की गतिज ऊर्जा k इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर थी, सीमा x इक्वल टू प्लस माइनस a के बाहर, क्योंकि a दो लीटर का आयाम है जो कि x का अधिकतम मान होगा, अतः सीमा x इक्वल टू प्लस माइनस a के बाहर, तो जैसे आप यहां पर x की वैल्यू प्लस माइनस a से ज्यादा रखते हो तो k का मान हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है, क्योंकि ये ऋणात्मक मान अधिक हो जाएगा, इसलिए k का मान ऋणात्मक होगा जो संभव नहीं है, अतः चिरसम्मत रूप से कण के सीमा के बाहर
पाए जाने की संभावना शून्य होती है, अतः कण केवल सीमा के भीतर ही दोलन कर सकता है। चूंकि विस्थापन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा जीरो टी तथा वेग v इक्वल टू डीएक्स बाई डी टी जो कि ए ओमेगा जीरो साइन ओमेगा जीरो टी था और ए ओमेगा जीरो को हमने v जीरो लिख दिया, तो v इक्वल टू v जीरो कॉस ओमेगा जीरो टी। माध्य स्थिति पर कण का वेग अधिकतम तथा बाह्य बिंदु पर न्यूनतम यह शून्य होता है। चूंकि v इक्वल टू v जीरो कॉस ओमेगा जीरो टी है तो v इक्वल टू v जीरो इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस ओमेगा जीरो टी इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा जीरो टी एंड साइन ओमेगा जीरो टी यहां से एक्स अपॉन ए होगा, तो v इक्वल टू v जीरो इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो मध्य स्थिति पर x का मान शून्य, इसलिए v का मान v जीरो होगा तथा बाह्य बिंदुओं पर x का मान अधिकतम होगा जो कि प्लस माइनस a होगा। तो जैसे आप x की जगह प्लस माइनस a रखोगे ये हमारा वन हो जाएगा, तो v इक्वल टू v जीरो इंटू रूट ऑफ वन माइनस वन जो कि जीरो होगा, अतः बाह्य बिंदुओं पर कण का वेग न्यूनतम यह शून्य होगा। अतः मध्य स्थिति पर कण के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम तथा बाह्य बिंदुओं पर अधिकतम होती है। क्योंकि हमने कहा है कि मध्य स्थिति पर कण का वेग अधिकतम है, इसलिए कण मध्य स्थिति पर बहुत कम समय व्यतीत करता है, इसलिए यहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम होगी तथा बाह्य बिंदुओं पर कण का वेग न्यूनतम या शून्य है, इसलिए कण अधिकतम समय अपना बाह्य बिंदु पर व्यतीत करेगा, इसलिए बाह्य बिंदुओं पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। नाउ x इक्वल टू a साइन ओमेगा जीरो टी है। अब यदि हम ओमेगा जीरो टी तथा x के मध्य ग्राफ खींचें, तो क्योंकि x इक्वल टू a साइन ओमेगा जीरो टी है, तो जब ओमेगा जीरो टी हमारा शून्य होगा तो साइन जीरो इक्वल टू जीरो, इसलिए x बराबर जीरो। जब साइन ओमेगा जीरो टी हमारा पाई बाई टू हो तो साइन पाई बाई टू का मान वन, तो x का मान a होगा। तो जब ये पाई बाई टू है तो x का मान a। इसी प्रकार यदि ओमेगा जीरो टी हमारा पाई है तो x जीरो, जब ओमेगा जीरो टी थ्री पाई बाई टू है तो साइन ओमेगा जीरो टी माइनस वन। इसी प्रकार टू पाई पर यह पुनः शून्य होगा, इसलिए ग्राफ हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। तो ग्राफ हमें इस प्रकार प्राप्त होगा, ये पाई बाई टू, ये पाई, ये थ्री पाई बाई टू और ये टू पाई। v बराबर v जीरो कॉस ओमेगा जीरो टी, क्योंकि ओमेगा जीरो टी यदि शून्य हो तो कॉस ओमेगा जीरो टी का मान अधिकतम होता है, इसलिए v का मान अधिकतम होगा। इसी प्रकार यदि ओमेगा जीरो टी पाई बाई टू है तो कॉस ओमेगा जीरो टी शून्य, इसलिए v बराबर जीरो होगा। तो ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। तो ग्राफ हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम ऊर्जा के लिए ग्राफ खींचे तो u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, माध्य स्थिति पर x जीरो, बाह्य बिंदु पर x इक्वल टू प्लस माइनस a, इसलिए बाह्य बिंदु पर स्थिति ऊर्जा अधिकतम तथा x इक्वल टू जीरो पर न्यूनतम। तो ग्राफ हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। यह आ गया गतिज ऊर्जा k इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब x बराबर जीरो हो तो k बराबर हाफ के ए स्क्वायर, जब x बराबर प्लस माइनस a हो तो k बराबर जीरो। तो गतिज ऊर्जा का ग्राफ हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। तो यह गतिज ऊर्जा के लिए वक्र है। तो गतिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा e इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर थी, इसलिए कुल ऊर्जा सदैव नियत होगी, इसलिए x के साथ में कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अतः वक्र में एक सीधी रेखा प्राप्त होगा जो कि x अक्ष के समांतर होगी। तो यहां पर हम आज का हमारा अध्याय समाप्त करते हैं। आज हमने चिरसम्मत सरल आवर्ती दोलित्र के बारे में विस्तृत चर्चा की है। तो गुड बाय।